हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे WBPG नेट 2021 के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, उसे कैसे फिल करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है WBPG नेट 2021 और आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको WBPG नेट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको उसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा IASpaper.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप IAS पेपर के वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा WBPG नेट 2021 एप्लीकेशन रिलीज़, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको नीचे मिलेगा WBPG नेट 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका वो रिलीज़ हो चुका है। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे आपको फिल कर लेना, आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका सिटी सेलेक्ट कर लेना। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इंजीनियरिंग BTech MTech, मैनेजमेंट BBA MBA, डिजिटल लर्निंग MBA, BCMC कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया फिल्म जर्नल, आर्कनोमेटिक्स, लॉ, साइंस, BSc MSc, उसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन, मास्टर PG जो भी है उसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको WBPG नेट 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वेस्ट बंगाल PG नेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 29th अप्रैल। एप्लीकेशन जो है उसका रिलीज होगा 29th अप्रैल को। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल। एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पे जाएंगे जहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़। यहाँ पे आपको दिखेगा WBPG नेट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज ऑन 27th अप्रैल। उससे पहले आप अगर आपने ये फॉर्म भर लिया है तो इसे सिंपली कट कर देना। अगर अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये फॉर्म भर लेना है, क्योंकि फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इसी ईमेल आईडी और इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर सारी अपडेट सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना। यहाँ पे आपको दिखेगा रिलीज़ 27th अप्रैल। 27th अप्रैल को इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा। यहाँ पे आपको आई हैव रीड पे क्लिक कर देना है। आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रीड कर लेनी है, इंस्ट्रक्शन आपको रीड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आपको नेम अपना एंटर कर देना, यहाँ पे आपको फादर नेम एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम एंटर कर देना। मदर नेम एंटर करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ आपको लगा देना। गवर्नमेंट आईडी और फोटो विद फोटोग्राफ आपको लगा देना है यहाँ पे। उसे करने के बाद आपको गवर्नमेंट आईडी का यहाँ पे नंबर एंटर कर देना। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस आपको फिल कर लेना। एड्रेस फिल कर लेने के बाद आपका लोकेलिटी क्या है उसे फिल कर लेना। आपको लोकेलिटी फिल करने के बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी जो है उसे फिल कर लेना आपको। उसके बाद आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड एंटर कर देना, आपका जो भी पिन कोड है उसे एंटर कर देना। आपको पिन कोड एंटर करने के बाद आपका ईमेल आईडी जो है उसे एंटर कर देना है यहाँ पे। उसे एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है।
मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेम एड्रेस परमानेंट एड्रेस पे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। यहाँ पे एंटर कर देना, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर लेना आपको। कंफर्म पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रियली फर्स्ट स्कूल नेम यहाँ पे एंटर कर देना, उसके बाद स्कूल नेम आपको डाल देना। उसे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दिया हुआ उसे एंटर कर देना। वंस नाइन इसे एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट दिया हुआ, फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना, आई एग्री पे क्लिक कर लेना, ओके पे क्लिक कर लेना। सॉरी ये सब माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम, माई डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका अगर सही है तो पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर लेना, फिनिश एंड सबमिट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना। जैसे यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन, आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपको नेशनलिटी क्या है उसे सेलेक्ट कर लेना, आपका डोमिसाइल कहाँ का है उसे सेलेक्ट कर लेना। आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्री जेंडर सेलेक्ट कर लेना आपको, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है उसे सेलेक्ट कर लेना आपको, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, किधर पे आप रहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना आपको। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपका रिलीजियस क्या है रिलीजियस आपको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, आपको पास स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना, पास ईयर पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोर्स स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, उसके बाद स्टेट बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स कितना था वो उसे सेलेक्ट कर लेना, ऑप्टेड आपका कितना मार्क्स आपका आया था उसे सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम आपको एंटर कर देना, इंस्टीट्यूट पिन एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना। आप सर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट पे क्लिक करके आप सारी फ़ी पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।